नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल श्री डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे जी। आज जैसा कि आप जानते हैं जिला कल्याण विकास सैनिक कल्याण बोर्ड और पुनर्वास बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं माननीय श्री जिलाधिकारी जी, तो क्या समीक्षा बैठक में क्या निकल के आया सर? आज हमने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास समिति का बैठक किया है। उसमें हमारे जनपद में दो सैनिक कल्याण कार्यालय हैं, एक लैंसडाउन में और एक पौड़ी में। पूरे जनपद में जो है हमारे 30,000 पूर्व सैनिक पंजीकृत हैं, उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर आज चर्चा किया गया, समीक्षा किया गया। प्रमुखता से जो समस्याएं सामने आई हैं उसमें ECHS जो क्लिनिक्स होते हैं उनके एम्पैनलमेंट की बात उन्होंने रखा है। मैं पूरा प्रयास करूंगा और अधिक से अधिक संख्या में अस्पतालों को पंजीकृत करने की कार्रवाई हम भविष्य में करेंगे। साथ में कैंटीन्स का निर्माण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखा था कि जनपद में कुछ कैंटीन्स जो है दुर्गम क्षेत्र में होने की वजह से उनको बहुत दूरी तय करके वहाँ पर अपना कैंटीन का सामग्री लेने के लिए आना पड़ता है, तो अधिक से अधिक संख्या में कैंटीन खोलने की उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो उसको भी हमने स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए हमने आदेश निर्देश जारी कर दिया है। साथ में कुछ पेंशन प्रकरण जो उसमें एरियर्स का भुगतान समय से न होने से जो नुकसान हो रहा था हमारे पूर्व सैनिकों को और वीर नारियों को, तो मैंने एक समीक्षा किया, उसमें भी आज हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ कि 1,28,00,000 का एरियर भुगतान जो है जो मुश्किलें हो रही थी उसको सुलझा लिया गया है और उनको भुगतान संबंधित पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को प्राप्त हो रहा है। वो भी एक प्रशंसनीय कार्य जो है हमारे पौड़ी में पूर्ण किया गया है। समीक्षा बैठक में पूर्व सैनिकों के इमरजेंसी स्वास्थ्य के बारे में जो बातें उठी हैं उसके प्रति शासन कितना गंभीर है? ECHS का जो एम्पैनलमेंट होता है उसके बारे में मैंने समीक्षा किया है। उसमें हमारे जनपद में जितने भी पंजीकृत अस्पताल हैं उसमें उनको जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं उसके बारे में समीक्षा किया गया है। जनपद का जो जिला अस्पताल है उसको भी एम्पैनलमेंट में शामिल करने का एक सुझाव आज उनके सदस्य द्वारा दिया गया है, उस पर भी विचार किया जाएगा। पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको लागू करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ में जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर और क्लिनिक्स को संबद्ध करने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया आज की बैठक में, तो मैंने वहाँ के जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लैंसडाउन है उनसे कहा कि दुर्गम क्षेत्र के लिए आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, उस पर शासन से हम अनुरोध कर सकते हैं कि उस पर आप वहाँ पर कार्रवाई करने का प्रयास करें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। माध्यम से जनपद पौड़ी के दो कार्यालयों का जो समीक्षा बैठक आज आयोजित किया गया, इसमें सैनिकों के और पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं होती हैं उनके ऊपर चर्चा किया गया है। प्रमुखता से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जो पंजीकृत 30,000 पूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं पर चर्चा किया गया है। जो पेंशन प्राप्त होता है उसमें भी उन्होंने अपनी बात रखी है। एक उल्लेखनीय प्रकल्प जो है पौड़ी जनपद में अपनाया गया है जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से, उन्होंने लगभग 1,28,00,000 के एरियर्स पूर्व सैनिकों को और उनके जो वीर नारियां हैं उनको उपलब्ध कराने में मदद दिया, वो एक उल्लेखनीय कार्य मैं कहूँगा। और मैंने अनुरोध किया है कि सभी विकास खंडों में ऐसे प्रकरणों को प्रकाश में लाया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। साथ में कुछ ग्राम पंचायतों में जो वनाग्नि की समस्या आ रही है, कुछ सड़कों के निर्माण की जो समस्या है उन पर भी चर्चा किया गया है। दो प्रमुख बिंदु जो आज की बैठक में रखे गए थे वो था कि ECHS जो हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं उसमें और कुछ अस्पतालों को एम्पैनलमेंट करने का सुझाव कुछ सदस्यों ने रखा था, उस पर मैंने विचार करने का मैंने अनुरोध किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मानकों का परीक्षण करते हुए उस पर विचार करेंगे। साथ में कैंटीन निर्माण को लेकर भी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और कैंटीन की सुविधा के लिए जो समस्याएं कुछ दुर्गम क्षेत्र के हमारे पूर्व सैनिकों को उपलब्ध समस्या आती हैं उसको सुलझाने के लिए भी मैंने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से मैंने कहा प्रस्ताव बनाकर वो प्रस्तुत करेंगे, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। कुछ निर्माण कार्यों के लिए भी मांग किया जा रहा था कि कुछ निर्माण कार्य अति आवश्यक है, जिसमें कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का जो कार्यालय लैंसडाउन में है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें कुछ मरम्मत की आवश्यकता है, तो मैंने DPR बनाने के लिए अनुरोध कर रखा है। और कुछ छोटा मोटा निर्माण कार्य के लिए मैंने कहा कि आप जिला योजना में प्रस्ताव उसको रख दीजिएगा, हम उसको स्वीकृत करा लेंगे। सर जनपद में आग को लेकर क्या स्थिति लगातार चल रहा है, क्या है? जनपद में वनाग्नि को लेकर हमने समीक्षा बैठक किया था। इसमें हम लोगों ने जो है जो फरवरी में जब हमने फायर प्लान बनाया था उसमें हमने 1,252 व्यक्तियों को एज अ फायर वॉचर तैनात किया था। वर्तमान वनाग्नि की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमने 1,252 की फायर वॉचर संख्या को बढ़ाते हुए 1,932 फायर वॉचर की तैनाती वर्तमान में कर दिया है। 222 हमारे फायर स्टेशंस क्रू स्टेशन जो है स्थापित कर दिया है। मैंने सभी वन पंचायत के प्रधान सरपंच गणों से और ग्राम पंचायतों के प्रधान गणों से
विशेष अनुरोध किया है कि आप भी जो है वनाग्नि की रोकथाम के लिए अपने स्तर पर आप प्रयास करना चाहें, उसके लिए उपकरण खरीदना चाहें, तो आपका वित्त आयोग की जो निधि होती है केंद्रीय वित्त की और राज्य वित्त की, उसमें प्राविधान होता है 10% धनराशि आपदाग्रस्त उपकरण के लिए आप रख सकते हैं। साथ में आपदा अधिनियम में भी हमने उनसे अनुरोध किया कि अगर आपको आपदा के SDRF के मानकों में भी अगर कुछ उपकरण चाहिए होगा तो आप वन विभाग के माध्यम से प्रस्ताव दे सकते हैं। मैंने जल संस्था और जल निगम से भी अनुरोध किया है कि टैंकर्स का उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ताकि फायर को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जा सके। आज सुबह से इंडियन एयरफोर्स की मदद से जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी छिड़काव का एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें कि श्रीनगर और पौड़ी क्षेत्र में जो वन क्षेत्र हैं उसके ऊपर जो आग लग रही है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से जो अग्नि की घटनाएं बढ़ रही थी, पिछले दो दिनों से उसमें काफ़ी कमी आया है, उसमें वन विभाग ने काफ़ी प्रयास करके उसको रोकने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लगातार चौपर का सहारा भी लिया जा रहा है सर, इंडियन एयरफोर्स भी इसमें शामिल है, किस तरह से मददगार होगा सर ये पूरा अभियान? वनाग्नि की जो घटनाएं जनपद में हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास कर किया है। हमने जब फरवरी में फायर प्लान बनाया था उस समय हम लोगों ने 1252 फायर वॉचर्स का तैनाती किया था, उस संख्या को हमने बढ़ाते हुए आज की तिथि में 1932 फायर वॉचर्स जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है, 222 क्रू स्टेशन का स्थापना किया गया है और 8 कंट्रोल रूम्स बनाया गया है। आज सुबह से ही इंडियन एयरफोर्स की मदद से चॉपर के माध्यम से जो है पानी का छिड़काव वनाग्निग्रस्त क्षेत्र में किया जा रहा है और पिछले दो दिनों से जो हमारे प्रयास रहा है उसमें सफलता भी हासिल हो रहा है। पहले एक सप्ताह पूर्व जो लगभग 100 से अधिक घटनाएं हो रही थी वनाग्नि की, हमारे जो सैटेलाइट से इमेजरी हमने प्राप्त किया है उसमें आज और कल में 21 घटनाओं का ही चिन्हीकरण हो पाया है और जहाँ जहाँ पे बृहद मात्रा में वनाग्नि फैली हुई है उन क्षेत्रों को बचाने के लिए चॉपर से हम पानी छिड़काव भी कर रहे हैं। साथ में ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी हमने अनुरोध किया है, वन पंचायतों के हमने एक्टिवेट करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है कि अगर आपको उपकरण की आवश्यकता है या पानी के टैंकर की आवश्यकता है तो उसके लिए भी आप जो है जन संस्थान के माध्यम से उसका हम लोग उपलब्ध करा देंगे, उसके लिए हमने पूरा उनको आर्थिक सहायता भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। सर कुछ ग्राम कार्यालय की संख्या भी आप लोगों ने बढ़ा दी है फायर को देखते हुए? फायर वॉचर्स की संख्या हमने बढ़ाया है, वो पहले 1252 फायर वॉचर्स हमने तैनात किए थे फरवरी माह में और इस वर्ष घटनाएं अधिक हो रही है उसको देखते हुए अभी 1932 फायर वॉचर्स का तैनाती वन विभाग के माध्यम से किया गया है, वो लोग अपना कार्य अभी शीघ्रता से कर रहे हैं। सर अभी क्या कुछ लोकेशन आप लोगों ने भेजी है चौकर को कि यहाँ यहाँ पे ज़्यादा वनाग्नि की घटनाएं हैं, लोकेशन संदिग्ध की जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी? गढ़वाल वन प्रभाग में काफ़ी घटनाएं वर्तमान में चिन्हित हो रहा है, खासतौर पर जो हमारा श्रीनगर क्षेत्र है, थलीसेन क्षेत्र है, पौड़ी क्षेत्र है, कोट विकासखंड हुआ और हमारा लैंसडाउन क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए हम लोगों ने उनकी वहाँ पर चिन्हित करके उनको भेजा हुआ है सूचना। आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर जो है श्रीनगर बांध से पानी का उठान करते हुए छिड़काव की कार्रवाई कर रहा है, आज दिन भर वो अपना अभियान जारी रखेगा और कल या परसों में भी उस अभियान को कंटिन्यू किया जाएगा। उसके जो नोडल अधिकारी हैं, मैंने वहाँ के जो वन हमारे गढ़वाल के वन प्रभाग के वन अधिकारी हैं उनको नामित कर रखा है और जो हमारे CCF साहब हैं वो भी आज सुबह से ही श्रीनगर में अपना कार्य का मॉनिटरिंग कर रहे हैं।